खुश आमदेद कहते हैं आपको। हमारी आज की मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आयशा उमर साहिबा। इजाजत है तो आगाज करें। कुल जरा हौला हाथ रखिए। अरे ऑफ कोर्स, मतलब डर डर के आई हूँ मैं। वसीम कमाल कर रही हैं आप, ये क्या बात है। बाउंसर से आगाज करते हैं, कहने को ये बाउंसर है नहीं वैसे। चले जरा बाउंसर से आगाज करते हैं। तो आयशा, मुझे आपके बारे में पढ़ के थोड़ा ये अंदाज़ा हुआ कि कभी कभी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं और आपका तो किरदार भी ऐसा है ना, जिसका हंसने वाला, खिलखिलाने वाला, तो शायद लोगों को लगता हो कि शोबिज़ के लोग और ख़ासतौर पर इस तरह के लोग जो माशाल्लाह दिखने में भी अच्छे खासे, फिर उनके ड्रामों में भी हर वक्त हंसना, खिलखिलाना, कि शायद इनकी ज़िंदगी में सब हमेशा अच्छा 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 ही रहा होगा। मैं दादा, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। बिल्कुल। और ये स्ट्रगल शुरू से थी, आपके वालिद साहब बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। आपके वालिद साहब 1.5 साल की थी जब अब्बू की डेथ हो गई थी, तो अम्मी ने अकेले पाला मुझे और मेरे भाई को, तो बहुत मुश्किल साल देखे। और अम्मी ने क्या क्या देखा आपको? अम्मी तो इतनी यंग थी जब व्हेन शी वाज विडोड, तो उन्होंने सोचा कि वो एक तो शहर बदल लिया, एक और शहर गई, यू नो, टू चेंज। हाँ, हम कराची से थे, फिर लाहौर शिफ्ट हो गए इस साने के बाद। हाँ, बिल्कुल फ़ौरन बाद। और स्कूलिंग सारी वहीं हुई, अम्मी ने बिल्कुल अकेले, कभी कोई दूसरी शादी नहीं की, अकेले पाला। बट उनकी एक ही मिशन थी ज़िंदगी की, वो क्या, कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए। अच्छा, आपने पढ़ा अच्छे स्कूल्स में? वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेस्ट स्कूल में पढ़ा, क्योंकि मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई। फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे उसमें? बहुत थे, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, मेरिट स्कॉलरशिप मिली। यूनिफॉर्म और बुक्स और ये चीजें भी अफोर्ड करना मुश्किल होता था। बहुत मुश्किल होता था। बस जोड़ जोड़ के अम्मी ने, अम्मी ट्यूशन भी पढ़ाती थी, फिर अम्मी ने एक वैन ली और बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी करती थी, टीच भी करती थी, सब। She used to drive herself? She used to drive herself. Oh. Yeah. And घर जाना। यानी वो वाकई था बच्चों को स्कूल से, वैन से। भाई देखो, अब अम्मी एक टीचर थी, सो जो एक्स्ट्रा चीज़ वो कर सकती थी वो स्कूल के टाइमिंग्स के साथ होनी थी। तो एक वैन में वही स्कूल के बच्चे, उनको पिक और ड्रॉप भी करना। फॉर एक्स्ट्रा। हम तो आज अगर कोई खातून ड्राइव कर रही हो तो हम कहते हैं यार ये, उस जमाने में तो ये बहुत ही टैबू भी होगा, बड़ा मुश्किल होगा। वैसे यू नो, अम्मी बड़े फख्र से बताती हैं कि मैंने 12 साल वो वैन चलाई लाहौर में। हमारी ऑडियंस जो तालियां बजा रही होती है इस वक्त, इस बात में क्या बात है, जबरदस्त। अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे आपकी। अभी वो देख रही है, सो मम्मी लव्स यू, लव। अम्मी ने जब आपने बुलबुल और ये सब, तो अम्मी ने नहीं कहा कि यार तुम्हें पढ़ाया है, तुम इतना अच्छा पढ़ी थी, बुलबुलें ये क्या, मतलब अम्मी के वर्ड्स आपने उनके मुंह से निकाल लिए। सीरियसली? एग्जैक्ट वर्ड्स। 26 एपिसोड्स जब बुलबुलें की गुजरी, तो अम्मी ने कहा बेटा वो प्लीज बस अब ये शो बंद कर दे। तो मैंने कहा क्यों अम्मी? तो उन्होंने कहा बेटा मैंने आपको इसलिए ग्रामर स्कूल में नहीं इतनी मेहनत से पढ़ाया कि आप ये करें। तो आई वाज लाइक अम्मी अच्छा। तो मैं नबील के पास गई, मैंने कहा नबील वो अम्मी कह रही हैं कि बस 26 एपिसोड्स के बाद ख़त्म। ओके। तो नबील कहते हैं कि मैं बात करता हूँ आंटी से। अच्छा। और उनको कहो कि एक दिन ये सिटकॉम तुम्हारी पहचान बनेगा। अच्छा, तब तक बुलबुले नहीं बना था? तब तक तो हिना दिल पसीर नहीं थी बुलबुले। राइट। और आपको लगता है कि बुलबुले अगर आज बुलबुले तो हिना दिल पसीर की वजह से? बहुत बड़ा हाथ हिना दिल पसीर का है, उनकी प्रेजेंस का। शी इज ब्रिलियंट। एंड उनसे पहले ऑफ कोर्स था, ठीक लेकिन जो एक जिंग आई और एक ब्लास्ट ऑफ हुआ, वो हिना डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया है, वो तो था। Hats off to क्या बात है ना आपका, सही बात। क्या बात। तो बस उसके बाद फिर वो अम्मी कन्विंस हो गई, मान गई। नहीं, बहुत सालों नहीं हुई, वो हर 2 महीने बाद पूछती थी अब कितनी देर और करना है बुलबुले। और कब उन्होंने फिर पूछना छोड़ दिया, या अब तक पूछती रहती हैं? जब, कुछ नहीं हो जब उसकी एडवांटेज अम्मी को भी मिलने लगी, जब लोग हेल्प करते थे, आप खूबसूरत की अम्मी है आंटी, प्लीज आ जाए आंटी, यहाँ बैठे। My mother was like, अच्छा भाई, नेबरहुड में तो बड़ी इज्जत हो रही है, बड़ा यू नो एवरीबॉडी लव्स द शो। तो फिर थोड़ा टेका हुआ, उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला
क्योंकि उनको पता है कि रियलिटी ये है कि कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में. मतलब माय मदर, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई जब वो मुझसे भी छोटी थी. तो उन्होंने कहा बेटा करियर होना ज़रूरी है, आप अपने पाँव पे खड़ी हो, आपकी अपनी सेविंग्स हो, उसके बाद यू कैन मैरी हूएवर यू वॉन्ट, बट डिपेंडेंट नहीं होना किसी पर फाइनेंशियली, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है. क्योंकि जब अम्मी विडो हुई तो उनके पास एक रुपया नहीं था, यू नो, और फैमिली ने हेल्प नहीं की. आपने कब तक कुछ सोचा है कि कुछ ये नेक काम करने का? भाई, व्हेन आई स्टार्टेड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, तो मैंने मैं बन गई ब्रेड अर्नर फैमिली की. ओके, सही है. तो भाई की एजुकेशन, अम्मी, सब कुछ मतलब मैंने हैंडल किया. तो मुझे शुरू में तो ये होता था कि इफ आई गेट मैरिड तो कौन संभालेगा ये सारा, सपोर्ट करेगा. अच्छा, बट आए जिंदगी में एक कोई शख्स जरूर आए. अच्छा, बट कहते हैं आई डॉज्ड अ बुलेट. और अभी हालात हाजरा क्या है इस वक्त, क्या सूरत हाल है? हालात हाजरा ऐसे हैं कि अब सब बता दें, आज कुछ तो बता दें, मतलब कि इंशाल्लाह. लेकिन आपका एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ बता रहा है वैसे, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो जरूर. बट हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि अब फैमिली शुरू की जाए. अभी हाई टाइम है कि आपके साथ फैमिली शुरू की जाए, है ना? व्हाई नॉट. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू. ओके, अच्छा आगे बढ़ते हुए आपने एक बात की, जब वो सारे का सारा मामला चला पाकिस्तान में और पूरी दुनिया भर में मी टू के हवाले से, तो आपने अपना भी एक बड़ा एक सैड इंसिडेंट बताया. बिल्कुल. मुझे तो पहले ही बताएं, आपके ख्याल में इस फील्ड में जिससे आप मुंसलिक हैं, शोबिज में, ये हैरेसमेंट के इशूज उतने ही कम या उतने ही ज्यादा हैं जितने किसी भी और फील्ड में होते हैं, या नहीं? अनफॉर्चुनेटली इस फील्ड में मसला है ज्यादा. नहीं, उतने ही है, सिर्फ हाईलाइट ज्यादा हो जाते हैं, बल्कि शायद कम हो. अच्छा, मुझे लगता है कि और फील्ड्स में, क्योंकि हाईलाइट नहीं होते और चीजें पब्लिक में नहीं आ रही होती, होते हैं. ओके, और बहुत वर्क प्लेस. ये शोबिज कलमिया नहीं है, सोसाइटी कलमिया है. सोसाइटी कलमिया, इट्स नॉट अ शोबिज इशू एट ऑल. ठीक है, और मैं आपसे, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लाइक आई हैव वर्कड विद सम अमेजिंग पीपल. एक फाइन लाइन होनी चाहिए ना, एक ये इंप्रेशन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अनफॉर्चुनेटली दो कैंप्स बन गए हैं जिनकी लड़ाई हो रही है. अगर कोई फेमिनिस्ट है तो उसको एंटी मैन तसव्वुर किया जाता है कि इन खाकों के ख्याल में हर आदमी बुरा. ये इंप्रेशन में नहीं जाना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल, ये इंप्रेशन है, आई एग्री विद यू. और ये नहीं होना चाहिए. एक एक बहुत एक एक अच्छा डायलॉग होना चाहिए लोगों के बीच में, जो कि लैक करता है. यू नो, आई थिंक एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की प्रॉब्लम है. सही है, क्योंकि जब एक्चुअली लोग बैठ के बात करते हैं और वो समझते हैं तो दे अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. नहीं, आपने ये तो फैसला किया कि उस शख्सियत का नाम नहीं लेना, इसकी वजह? बिल्कुल, बहुत अहम वजह है. हाँ. अगर मुझे लगता कि वो शख्स आइंदा भी किसी को हरास कर सकते हैं, या वो एक खतरा है सोसाइटी और खवातीन के लिए, तो मैं जरूर उनका नाम लेती. आपको लगता है नहीं है? लेकिन अब वो इस ऐसे लेवल पे है कि वो नहीं है. ऐसे लेवल पे है से मुराद, मतलब कुछ भी हो सकता है. मे बी ही इज टू ओल्ड, मे बी ही इज नॉट वेल, मे बी ही इज, मतलब शायद वो मतलब नहीं काम कर रहे, कुछ भी हो सकता है. आई डोंट वांट टू रिवील दैट. ठीक है, और बट इज अ वेरी नोन पर्सनालिटी. मेरी अम्मी ने एक्चुअली ये कहा जब पहली दफा मैंने ये मेंशन भी किया. तब तक आपने अपनी अम्मी से भी शेयर नहीं की थी? मैंने 13 साल एक भी इंसान से शेयर, घर वालों से भी नहीं, किसी से भी. एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मेरा मतलब क्या है, कि अगर कोई ये सोचे कि यार उस वक्त मैं 22 साल की थी, यू नो, 21-22 की भी नहीं हुई थी, वेरी यंग. आपका मिजाज तो वही होगा जैसा जैसा भी नहीं था. अच्छा, नहीं, उस वक्त तो इंडस्ट्री ज्वाइन की थी. एंड उस वक्त आई थिंक जब आपके साथ होता है ना, एंड इट इफ इट्स अ पोजीशन इन पावर, कोई इंसान है जो हूज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, तो ऑब्वियसली आपको बहुत डर लगता है, बिकॉज़ आपको ये होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये मेरे साथ ये भी कर सकता है, ये भी करता है, यू नो, मेरी तो करियर, मेरी जिंदगी, और मुझे ही झुटलाएगा. हाँ, और अच्छा, या थ्रेट भी करेगा कि मैं और हार्म करूंगा आपको. सही है. सो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड आई जस्ट डिड नॉट हैव द करेज टू टेल एनीवन अबाउट इट. एंड यू आर सॉरी अबाउट दैट? यस. ओके, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि यहाँ एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के इस पर कॉमेंट करना मेरे लिए बड़ा आसान है. जिसके साथ हो रही होती है उसको पता होता है कि वो किस किस स्टेज में, तो आई अंडरस्टैंड. लेकिन anyway, today it makes me emotional. Yeah. Yeah, it does. Because I'm sorry to the person that I was. मतलब मैं अपने ही बचपन से सॉरी करना चाहती हूँ कि अगर मैंने शायद उस वक्त बात कर ली होती, आई वुड बी अ डिफरेंट पर्सन. Yeah, maybe. So that actually changed your life altogether. Yeah, a lot of these things change your life. I've never cried about this, Vaseem.
Why are you making me cry? I honest to God, I didn't. मतलब मैंने कभी भी इसको इसके बारे में बात करते हुए emotional नहीं feel किया. पता नहीं आज. I don't know. Maybe your question that you're sorry about that. I am sorry about it. Because उस वक्त बहुत और लड़कियों ने भी सफर किया. मैं अकेली नहीं थी. और भी लोगों के साथ हुआ. एंड शायद अगर हमने बात की होती उस वक्त देयर वाज नो सोशल मीडिया देयर वाज नथिंग शायद बात की होती तो वो रुक जाता यू नो मे बी और मैं तो फिर भी आई केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे कोई मोहताजी नहीं थी यू नो कि मतलब आई कुड वॉक अवे यू नो बहुत सारी और लड़कियाँ हैं जिनकी मजबूरियाँ और उनकी जिंदगियाँ रुइन हो जाती हैं यू नो मतलब मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी बनी और मेरे अंदर शायद एम्पथी भी आई दूसरों के लिए मतलब इसीलिए शायद मैं बिलीव करती हूँ विक्टिम्स को मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट देती हूँ बहुत सारे लोग बिल्कुल डिसएडवांटेज भी ले सकते हैं सिचुएशंस का लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट देती हूँ बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स और जब मैंने बात की तो मेरी अम्मी ने जब सुना ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा she didn't know how to deal with it बेटी के बारे में you know क्योंकि पहले ही उनकी बेटी अकेली एक शहर में रहती है काम कर रही है so she was like बेटा she said मैं नहीं चाहती कि तुम नाम लो okay तो आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न वो भी है कि मैंने नहीं नाम लिया क्योंकि मेरी अम्मी के लिए मैंने नहीं नाम लिया शी सेड बेटा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बैकलैश यू नो शायद कोई और कर सके लेकिन मेरी फैमिली माय मदर्स सो जस्ट फॉर हर आपने जिस तरीके से और अल्लाह करे कि हमारी कोई भी खातून हमारी कोई भी बहन कोई भी बेटी सोसाइटी की इस सबसे ना गुजरे ये बात सही है कि बड़ी फाइन लाइन है बड़ी कंफ्यूजन भी इसमें अगर गुजरे भी तो आई होप कि लोग उसे बिलीव कर सके करेक्ट और आई होप कि वो उससे निकल सके सही है यू नो किसी के साथ हो तो उसका बोलना बहुत जरूरी है और अगर कोई इसको मिसयूज करता है या करती है तो वो भी याद रखें वो इस कॉज को डैमेज कर रहे हैं और फिर ये बहुत बड़ा हुआ है ये दोनों चीजें बहुत इक्वली है ना बहुत ज्यादा यू एग्री टू दैट एक थोड़ा सा वक्फा लेते हैं ताकि थोड़ा माहौल चेंज करते हैं पानी शानी मिलाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आयश अमर हमारे साथ हैं आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश हाँ ब्रेक में हमारी बहुत सारी बातें हुई वक्त हमें मुकाबला सकते हैं बढ़ते हैं अपने सेगमेंट यॉकर के जाने आयशा हाँ या ना में जवाब पाकिस्तान का सोशल मीडिया गटर है हाँ या ना ये तो हाँ ओके नहीं नहीं हाँ बोल दिया आप नहीं नहीं कभी कभी कभार गटर हो जाता है अच्छा ठीक है सही इमरान खान ने 2.5 साल में कमाल कर दिया हाँ या ना कभी कभार कमाल कर देते हैं कभी कभी बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन गए तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा हाँ या ना ना मरियम नवाज शरीफ कभी वजीर आजम नहीं बन सकते नहीं बन सकती है पॉसिबिलिटी है नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे पॉसिबिलिटी है आप भी सकते हैं फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए अच्छा कभी कभार कभी कभार बुलबुले का सबसे यू नो आई हैव कम टू द कंक्लूजन इन माय लाइफ नाउ एंड आई नो के इसके बारे में फिर मुझे लगता है कि हाँ उनकी जरूरत नहीं है एंड वी शुड मूव टू कंटेंट व्हिच इज स्ट्रॉन्गर और हमें अपनी एक आइडेंटिटी जरूर क्रिएट करनी चाहिए एंड वी शुड नॉट उन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए इट्स हाई टाइम कि उनकी बिल्कुल इट्स हाई टाइम कि हम आगे बढ़ें और कुछ आप नहीं करेंगे अब अगर आपको ऑफर हो कभी भी नहीं आई डोंट नो व्हाट यू कॉल एन आइटम सॉन्ग बाय द वे मैंने कभी नहीं किया ठीक सही अच्छा जनाब तो आखिरी मिनट है महमूद साहब नबील मोमो और खूबसूरत तो रैंक करें ना अदाकारी के लिहाज से 1, 2, 3 यार वेरी बैड यार सवाल अच्छा मैं बता 50 सेकंड रह गए ओके हां मोमो ओके महमूद साहब ठीक है नबील
खूबसूरत. अब मैं अपने आप को कहाँ डाल रही हूँ, मतलब मैं तो ऑब्वियसली हम तो फिर ये तो आपने बड़ी आजीज़ी से. आखिरी बात बुलबुले के बारे में आपको एक चीज. हाँ, मैं आपको ब्रेक में बता रही थी कि अम्मी ने इसलिए भी बुलबुले अम्मी ने बुलबुले को इसलिए भी ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया कि जब लोगों की दुआएं मिलती थी तो कि इस शो की वजह से हमारी जिंदगी बेहतर होती है तो आई एम श्योर, तो फिर अम्मी ने कहा ये दुआएं जरूरी है. आयशा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. डब्ल्यू पी मेहमानी का एक गिफ्ट हैम्पर है जो आपके साथ जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियों में अपने अपने घरों से आयशा को रुख्सत करते हैं. कल मिलेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद.